साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बसतगुआ में। यहाँ के लोगों की राय आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और कौन सी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट देकर सदर विधानसभा ललितपुर से विधायक अपना चुनते हैं। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे आगे की कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों को मिल जाए। चलिए भैया, क्या नाम है? मदन लाल। तो मदन लाल जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आगे की तरफ निकलेगी और आप लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? हमारा झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए है? तो ऐसा क्यों, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? नहीं, अच्छा हुआ सब। चलिए, आपके साथ अच्छा हुआ है आप बता रहे हैं। भैया से पूछते, भैया क्या नाम है? जी, कृष्णपाल यादव। तो कृष्णपाल यादव जी, 2017 से 2022 के मध्य क्या आपको कोई ऐसी सुविधाएं मिली हैं जिससे जाकर आप भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दें या किसी अन्य दल की तरफ आप जाएंगे? इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी सरकार है वर्तमान में थी, सुविधाएं तो जितनी भी दी गई हैं लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। इससे पहले भी मतलब जो समाजवादी का मतलब रहता था, तो समाजवादी ने भी अपनी योजनाएं चलाईं इसके अंतर्गत। लेकिन हमारा तो यही मानना है कि मैं समाजवादी पर नहीं, मैं राष्ट्र के लिए वोट दूंगा और राष्ट्रवादी हूँ मैं। तो राष्ट्रवादी आप हैं, राष्ट्र के लिए वोट देंगे, लेकिन राष्ट्रवाद का जो असल मतलब होता है राष्ट्र को चमकाना, राष्ट्र को हमें आगे बढ़ाना है। तो राष्ट्र के आगे बढ़ाने के लिए लोगों के मकान भी अच्छे दिखने चाहिए, लोगों की सोच भी आगे बढ़नी चाहिए, लोगों के पास 4-व्हीलर भी होनी चाहिए, लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, ये राष्ट्रवाद, इससे राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपसे ये जानने का प्रयास इस समय कर रहा हूँ कि जो सदर विधानसभा ललितपुर की समय पोजीशन हो, आपकी ग्राम पंचायत बसतगुआ की जो पोजीशन है, इसमें आप लोग पूरा ग्राम क्या सोचता है? अब हम ग्राम की तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ यादवों के वोट हैं, यहाँ पे कुशवाहा समाज के हैं, अलवार समाज के हैं, तो वो जो जहाँ जाएंगे वो उनका मामला है कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा मत तो यह है कि मैं सदर में भी जाऊँगा, जो युवा नेता होगा, जो लोगों को समझने वाला, मैं उसी की तरफ अपना तनाव बनाऊँगा। चलिए, तो ये अलग अपनी बात को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता हूँ, क्लियरिटी उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ। और भी हमारे भैया क्या नाम है? रामजीवन। तो रामजीवन जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है? देखिए, वो वहाँ की दुनिया, यहाँ से तो साइकिल ही जीतेगी। तो रमेश कुशवाहा, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ललितपुर सदर विधानसभा से उम्मीदवार हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे? जाति वोट बैलेंस के हिसाब से। तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, विकास के कुछ पैमाने हैं क्या समाजवादी पार्टी के पास, जिसकी वजह से वो इस चुनाव को जीत जाएं? हम विकास है नहीं, पिछली जो सरकार आई थी 2012 में, उसमें बहुत काम की थी। अभी तो आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। तो ऐसे क्या काम किए थे जिससे आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आएगी? बहुत पेंशन चलाई थी समाजवादी, और भी सुविधाएं हुई थी। चलिए, तो इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। भैया क्या नाम है आपका? सेवक। तो सेवक जी, क्या लग रहा है 2022 में कौन ललितपुर सदर विधानसभा में ललितपुर सदर विधानसभा से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? चलिए, तो खैर वो अपनी राजनीति पर अपनी बात को नहीं रखना चाहते हैं। भैया क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। तो दुर्गा प्रसाद जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें किस तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखो, जहाँ आज जनता जाएगी उस तरफ जाएंगे, और क्या, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ये एक अलग विषय है। इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि आखिर ये लोग किस तरफ हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गा नाम है, ढींगार है। तो दुर्गा जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? मोदी बने। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी बनेंगे? वो बनेंगे। चलिए, जानकारी के अभाव में, चूंकि उनकी शैली अलग प्रकार की है बोलने की। भैया क्या नाम है आपका? अंगद। तो अंगद जी, 2022 का जो चुनाव आने वाला है ललितपुर सदर विधानसभा में, आप किसकी तरफ अपना रुझान दिखाएंगे? साइकिल की तरफ। तो ऐसा क्यों कि समाजवादी पार्टी ने बहुत से काम किए?
तो ऐसे क्या कार्य किए जो आपको पसंद आए समाजवादी पार्टी के? अरे बहुत सी पेंशन चलाई और बहुत से काम कराए। चलिए काम कराए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ ही अपना मतदान करेंगे, लेकिन अपनी बात वो रख रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं है। भैया क्या नाम है? मदन लाल। तो आपसे चूंकि हम बात कर चुके हैं पहले भी, हाँ। तो किस तरफ हैं आप? हम बीजेपी तरफ। चलिए बीजेपी तरफ हैं। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में वो अपना मत प्रदान करेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग थे ग्राम पंचायत वसतगुआ में, जहाँ से आप लोगों को मैंने जानकारी दी। चूंकि सभी समाजों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, यादव समुदाय का वोट ये बाहुल ये गाँव है, जहाँ करीब 700-750 यादव मतदाता हैं। तो साफ तौर पर ये दिखाई यहाँ पर जो देता है वो अलग एक विषय है, लेकिन जो वोट पड़ेंगे और जब पेटियां खुलेंगी तो वो एक निर्णय अलग हो सकता है। फिलहाल इस समय हम लोग मौजूद थे ग्राम पंचायत बसतगुआ में, आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सब लोगों से निवेदन है हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।